अभी सुबह के बड़े बजे हैं 8। हमने कल के हिसाब से अपना व्लॉग कल रात 10:30 बजे ख़त्म कर दिया था। बट एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ पे कई सारे प्लेसेस हैं गंगोत्री में जो हमने लोगों को दिखाया नहीं अब तक, लोगों के हमने खुद भी नहीं देखे। सच बीइंग सूर्य कुंड, गौरी कुंड एंड पांडव गुफा। ऑब्वियसली पांडव गुफा थोड़ी दूर है तो हम पांडव गुफा तो जा नहीं पाएंगे, बट सूर्य कुंड, गौरी कुंड यहाँ हम विजिट करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम एक बार मंदिर दोबारा जाएंगे दिन के टाइम। रात के टाइम का आरती देख ली हमने, सुबह में सोचा था सुबह फिर से आरती देखने जाएंगे, बट ऐसा हम सोए कि बस सुबह सुबह रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं कि कौन उठेगा पहले और कौन फ्रेश होने हो गया। ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़े हमें एंड हम पहुँच चुके हैं गौरी कुंड। आस पास काफ़ी मतलब पीसफुल है, सिर्फ यहाँ पे झरने की आवाज़ें, झरने की आवाज़ें तो नहीं आई, सिर्फ नदी के बहने की आवाज़ें जो पत्थरों को काटते हुए निकल रही है बस वही है यहाँ पे। तो और काफ़ी यहाँ पे धूप पड़ रही है बट फिर भी ठंडी हवा चलने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। एट द सेम टाइम हमने सुबह के 9 बजे इतने धूप में जैकेट पहना हुआ है एंड बस चलते हैं, देखते हैं, करते हैं गौरी कुंड को एक्सप्लोर। सो वी आर एट गौरी कुंड राइट नाउ और ये जो साउंड आ रही है ये भागीरथी रिवर की है जो एज अ वाटरफॉल रिवर में मिल रही है। डिस्पाइट ऑफ दिस साउंड जो कि बहुत ही तेज़ है, इतनी तेज़ की शायद मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर ना आ रही हो, बट डिस्पाइट ऑल द नॉइस बहुत ही पीसफुल जगह है। इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सूर्य कुंड एंड गौरी कुंड जरूर आइए। यू विल सिट हियर फॉर अ व्हाइल, लोकल्स बैठे हुए हैं। सो अब हम पहुंच गए हैं सूर्य कुंड पे। यहाँ पे गंगोत्री, भागीरथी और केदार गंगा मिलते हैं। ये जो सामने आपके रिवर दिख रही है आपको, ये भागीरथी है जो अप्रॉक्स 100 फीट से वाटरफॉल की तरह इट्स कमिंग डाउन। और अब अगर देख पा रहे हो, पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा, बट जहाँ जहाँ सनलाइट पड़ रही है ना वहाँ पे रेनबो भी क्रिएट हो रहा है। आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल टू द कैमरा और नॉट, बट इट इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज। एंड जो गंगोत्री टेम्पल है ना, अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सूर्य कुंड एंड गौरी कुंड आर अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस जो इस आपकी इस छोटी ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा मेस्पराइजिंग बना सकते हैं। आप यहाँ पे बैठिए थोड़ी देर, इन्जॉय करिए। और अनलकी को भी शेड्स रूम पे ही है, हम शेड्स लेके नहीं आए, कोई नहीं हर जगह शेड्स रिक्वायर्ड भी है, बिना शेड से भी आके कम खुल रहे हैं बस। ख़राब चीज़ ये हुआ कि हमने यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेने की ट्राई करी एंड हम एक ही बैटरी लेके आए थे, बाकी के 2 बैटरी हमारे रूम में होटल में रह गए थे। और जब हमने ड्रोन शॉट्स लिया तो हम उसके ऊपर के कवर हटाना भूल गए, तो हम कह रहे कैमरा रोटेट क्यों नहीं हो रहा। जब फाइनली ड्रोन हमारे पास आया तो हमें रिलाइज हम कितने बड़े नूब हैं जिन्होंने उसको हटाया नहीं एंड उसके साथ ही डाल दिया। एनी हो, बाकी कैमरे से भी सही सिनेमेटिक शॉट्स आए हैं एंड प्लेस ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, तो नो नीड कि हमें ड्रोन शॉट्स की जरूरत पड़ती थी। बट आगे हम ट्राई करेंगे ड्रोन शॉट्स और ले लें, सिनेमेटिक वीडियोज और कर ले। बाकी ओवरऑल ये प्लेस पास में गंगोत्री से एंड दोनों काफ़ी ही प्यारे प्लेसेज हैं। एक भैया वहाँ से ले लेना, दीप का तैयार हो रही है। दो ही चाहिए मुझे। हां दो ही दे रहूंगा। ये लो कैंसिल। Thank you.
भी नाम लाओ। शाम को भी आए थे आरती करने, अभी गंगा जल लेने है ना, आपको सुबह के भी मुझे दिखाने, क्योंकि रात को दिखाने पाए थे आपको, सिर्फ मंदिर दिखाया था ना, मंदिर के आसपास की ब्यूटी, लोग सुबह सुबह स्नान ले रहे हैं यहाँ पे। हम भी कोशिश करेंगे अगर हिम्मत करके, वी वुड बी एबल टू टेक अ बाथ हियर। तो यहाँ पे इस रिवर को भागीरथी बोलते हैं। वो सामने कहीं पे गौमुख है जहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है कि वहाँ से रिवर निकलती है। स्टोरी बिहाइंड दिस इज दैट कि शिवजी की जटाओं से जब पानी निकला था तो वहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपलेट गिरी थी गौमुख पे, जहाँ से इस रिवर का ओरिजिन है। तो इसीलिए उस प्लेस की बहुत वैल्यू है। बट वो यहाँ से है, रात को मिले थे एक लोकल, उन्होंने बताया था कि यहाँ से 22 किलोमीटर का ट्रैक है एंड बिल्कुल रॉ ट्रैक है वो, 19 किलोमीटर का, कुछ नहीं है बीच में। आपको यहीं से अपना पोर्टर लेके जाना होता है, आपके सामान के लिए भी और वहाँ खाने पीने के लिए भी, कैंपिंग के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है। एंड उसी से 3-4 किलोमीटर आगे एक तपोवन करके है, वहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हैं आप। डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं, मॉडरेट और ईजी ट्रैक्स नहीं है, तो ऐसे ही नहीं जाना, प्लान करके जाने वाले ट्रैक्स हैं। तो अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप न्यू कमर हैं तो इससे ट्राई मत करना, पहला और आखिरी हो सकता है। पानी बेटर हो गई है, 6 months apart, we are at the same location. Difference में इतना है कि पानी गंदा नहीं रहा, जस्ट बिकॉज स्नोफॉल की वजह से पानी मेल्ट हो रहा है एंड पानी अब सही आ रहा है। पिछली बार हमने सोचा नहा लेंगे, पानी देख के फट गई, हमने कहा रहने दो, और इस बार ठंड देख के फट रही है, तो सॉरी गाइस, विल डिसअपॉइंट यू, इस बार भी हम नहीं नहाएंगे। सेम लोकेशन, अपने जहाँ हाथ से ऐसे पकड़ूंगा जेट को, और यहीं से जेट उड़ेगी और यहीं पे लैंड होगी, देख लेना। यार पानी बढ़ गया भाई। जगह है जहाँ हम आज से 6 महीने पहले आए थे गंगा मैया के पास आशीर्वाद लेने उनका, तब हम ये चीज स्टार्ट करने की सोच रहे थे। आज हम 6 months डाउन द लाइन दोबारा आए हैं सेम जगह पे, सेम स्पॉट पे, इसी सेम स्पॉट पे बैठ के ना हमने फोटोज खिंचाई थी लास्ट बारी जब आए थे हम मोबाइल से। दिस टाइम वी आर हियर विद DSLR 360 ड्रोन्स के लिए शूट कर रहे हैं फ्रॉम DSLR। मेरा फोन रूम पे पड़ा है, रूम कैरी भी नहीं, फोन कैरी भी नहीं कर रहे हम। DSLR ड्रोन आज सब है हमारे पास, आपके पास क्या है? आपके पास प्यार है हमारे लिए, और वो दिखा कैसे सकते हो आप? वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना नीचे, उसे दबा दो और शेयर वाले पे क्लिक करके इस वीडियो को सब जगह फैला दो, ठीक है? ऐसा ही और कंटेंट और क्वालिटी आपके लिए ला करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव हो ही रही है, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग,
आपके फीडबैक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बेटर होते ही जाएंगे। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देते रहो, अच्छा लगता है जब कोई इंटरेस्ट लेता है ना आपके काम में। कमियाँ नहीं है, वो आप लोगों का प्यार है जो आप दिखा रहे हो कमेंट्स में कि इसको और इम्प्रूव कैसे करो, हमें देखना है। तो आप देते रहिए सजेशंस, हम उस पर हार्डवर्क करते रहेंगे एंड वील मेक श्योर वी ऑल ग्रो टुगेदर, वी ऑल रोम टुगेदर, वी ऑल एक्सप्लोर टुगेदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल के लिए गंगोत्री देखिए आप और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दादा। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए, फॉलो करते रहिए, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। क्योंकि लोग अक्सर जहाँ भी हम जाते थे वो कहते हैं वहाँ पे क्या है, हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या है। जैसे आज आपको दिखाया गंगोत्री में क्या है, वैसे ही दिखाएंगे बाकी इंडिया के पार्ट्स में, अब्रॉड में क्या क्या है। स्टे ट्यून, बहुत लंबी जर्नी है, छोड़ने नहीं वाले, करते रहेंगे। चलो।